जैसे मिड रेंज सर्वर्स, मेन फ्रेम कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर, ये टर्म्स हमारे लिए बहुत कॉमन से हैं। ये चीजें हमने देखी हैं, बट मतलब सुनी है काफी कुछ, लेकिन हमने इनको देखा नहीं कहाँ चीजें होती हैं। ये पर्सनल कंप्यूटर सबसे पहले हमने देखा इधर उधर, जहाँ जो अभी तक आपने जो कंप्यूटर्स मैक्सिमम देखे हैं वो पर्सनल कंप्यूटर की कैटेगरी में आते हैं। अगर आप किसी जो है साइंटिफिक स्टेशन में जाते हैं, जहां पर आपको लगता है कि साइंटिस्ट के डेस्क पे एक बड़ा मशीन रखा है जिसमें कभी कभी दो दो डेस्कटॉप जो है स्क्रीन होते हैं, उसका सीपीयू थोड़ा सा बड़ा है, बहुत फास्ट प्रोसेस कर रहा है, तो वो आपका डेस्क, उसको बोलते हैं हम वर्क स्टेशन मेक। तो व्हाट आर द कैटेगरीज ऑफ कंप्यूटर्स? वेरियस कैटेगरीज ऑफ कंप्यूटर्स इंक्लूड पर्सनल कंप्यूटर्स, जिसको हम डेस्कटॉप बोलते हैं, डेस्क पे रख सकते हैं जिसको डेस्कटॉप। डेस्कटॉप कंप्यूटर्स दो टाइप के होते हैं बेसिकली, एक पर्सनल कंप्यूटर होता है, एक होता है वर्क स्टेशन। दूसरा है मोबाइल कंप्यूटर्स, विच आर कैरिएबल, बहुत पोर्टेबल होते हैं, पाम टॉप कंप्यूटर्स जिनको बोल सकते हैं, मोबाइल डिवाइसेस, स्मार्टफोन्स आर आल्सो मोबाइल कंप्यूटर्स। मिड रेंज सर्वर्स वहां पर आते हैं, सपोज आपका यूनिवर्सिटी में, कॉलेज में एक लैब बनी हुई है जिसमें 40 या 60 कंप्यूटर रखे हुए हैं, उनमें से आप एक मशीन को सर्वर बना लेते हैं, तो एक ऑर्डिनरी मशीन को सर्वर बनाएंगे तो वो जल्दी, वो बहुत फास्ट प्रोसेस नहीं कर सकता, तो वो सर्वर जिस मशीन को हम बनाते हैं उसका मेक अलग होता है, जिसको बोल सकते हैं मिड रेंज सर्वर, जिनको बोल सकते हैं मिनी कंप्यूटर बोलते हैं। माइक्रो कंप्यूटर की बात आता है, मिनी कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर माइक्रो कंप्यूटर से थोड़ा फास्ट होता है, उसकी कॉस्ट भी ऑब्वियसली ज्यादा होगी, स्टोरेज और उसका प्रोसेसर अलग उसका होता है, डिफरेंट होता है। फिर उसके बाद आता है मेन फ्रेम कंप्यूटर्स। मेन फ्रेम कंप्यूटर्स आप मान लीजिए जैसे BSNL है, रिलायंस है, इनके पास जो कंप्यूटर्स इनके डेटा सेंटर्स में होते हैं, ऑपरेशन पॉइंट पे होते हैं, जहां पर पूरी कॉल्स रिकॉर्ड होती हैं, पूरी सारी चीजें जो है ट्रैफिक कंट्रोल होता है, वो मेन फ्रेम कंप्यूटर्स होते हैं, जो कभी बंद नहीं होते हैं, राउंड द क्लॉक 24/7 यूज होते हैं, जिनकी प्रोसेसिंग में बहुत फास्ट है, वहाँ प्रोसेसिंग हमारे इंपॉर्टेंट है, उसकी कॉस्ट इंपॉर्टेंट नहीं, प्रोसेसिंग इंपॉर्टेंट है, तो वहां पर हम मेन फ्रेम जैसे कंप्यूटर्स यूज करते हैं। उससे हायर कॉन्फ़िगरेशन एंड स्टोरेज एंड उसकी जो कंप्यूटर्स हम यूज करते हैं उनको बोलते हैं सुपर कंप्यूटर्स। सुपर कंप्यूटर्स इंडिया अपने भी बनाता है, इंडिया ने जो है कुछ सीरीज ऑफ सुपर कंप्यूटर्स को बनाया है, उसमें कंपनी है CDAC जो इंडिया के लिए सुपर कंप्यूटर्स बनाती है, और उन सुपर कंप्यूटर्स के नाम आते हैं परम। परम सीरीज ऑफ सुपर कंप्यूटर्स इंडिया बनाता है, अभी लेटेस्ट उसमें परम अनंत है। परम अनंत के इंडिया ने बहुत सारे एडिशंस को, बहुत सारे कंप्यूटर्स को, इवन यूरोपियन कंट्रीज को सेल भी किया है, एक्सपोर्ट भी किया है, और वहां से हमने रेवेन्यू जनरेट किया है। इंडिया ने सबसे पहला सुपर कंप्यूटर जो परचेस किया था वो US बेस्ड कंपनी क्रे कॉर्पोरेशन से परचेस किया था, और आज इंडिया सुपर कंप्यूटर्स को एक्सपोर्ट करता है, तो वी आर देयर। IISC बैंगलोर ने अनुराग सीरीज के सुपर कंप्यूटर्स बनाए हैं, और सुपर कंप्यूटर्स वहां पर यूज होते हैं जहां पर हमें बहुत लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा को प्रोसेस करना होता है। जैसे आप देखते हैं, आप और मैं, अगर आप एक फोटो से, मोबाइल से फोटो लेते हैं तो उसका साइज मैक्सिमम 5 MB होता है। एक बड़े कैमरा से हम जो है अगर रॉ फॉर्मेट में इमेज लेते हैं, उसका साइज आपके पास मुश्किल से 10 MB, 20 MB, मतलब 20 MB हो सकता है, 20 MB से ज्यादा नहीं होता है। लेकिन हमारे मोबाइल में जो हम कैमरा यूज करते हैं वो होता है मेगापिक्सल। सैटेलाइटिक इमेजेस का जो साइज होता है, रेजोल्यूशन होता है, उसको हम बोलते हैं गीगापिक्सल, टेरापिक्सल। गूगल से जो आप गूगल अर्थ पे आप जो फोटोग्राफ देते हैं वो टेरापिक्सल कैमरास होते हैं, जो सैटेलाइट्स में लगे होते हैं। सैटेलाइट से हम अर्थ की फोटोग्राफ्स को देख रहे हैं, रोटेट कर रहे हैं। गूगल अगर जो है फिशरीज के बारे में रिसर्च करना चाहता है तो फिशेज पे भी वो अपना जो है कैमरा फोकस करके रिसर्च कर सकता है, मतलब काउंट कर सकता है। आपने वाइल्ड नेशनल ज्योग्राफी को देखा होगा, वाइल्ड हैबिटेट्स और वाइल्ड एनिमल्स को जो है वो स्टडी करने के लिए उनका बहुत बड़े अमाउंट, बड़े कैमराज लगे होते हैं, और गूगल ने तो उसके सैटेलाइट से लगे होते हैं, सैटेलाइट कैमराज जो होते हैं वो हमारे पास जो है उनकी इमेज 1 GB, 2 GB, 5 GB की होती है। 1 GB इमेज हमारे कंप्यूटर्स में ओपन नहीं हो सकती है, 1 GB इमेज को हम ओपन नहीं कर सकते, प्रोसेस नहीं कर सकते। तो जो सुपर कंप्यूटर्स होते हैं उनका काम ही जो है GB से बड़ी बड़ी फाइल्स को एक साथ प्रोसेस करना होता है। आप प्रैक्टिकली सोचिए कि आपके पास 1 GB कोई फाइल होती है क्या? नहीं होती है। माना 2.5 घंटे का वीडियो भी है, उसका साइज भी जो है क्या होता है 400-600 MB होता है, और वो एक साथ आपका ओपन नहीं होता, उस वीडियो को आप स्ट्रीमिंग में ओपन करते हैं। तो सुपर कंप्यूटर्स में GB के ऑर्डर में डेटा प्रोसेस होता है, मतलब फाइल्स होती हैं, और सुपर कंप्यूटर्स की स्पीड को हम बोलते हैं, मेजर करते हैं फ्लॉप्स में, FLOPS, फ्लॉप्स। एक टर्म्स आपको थोड़ा सा पता हो तो आप उसको देख सकते हैं, फ्लॉप्स, जिसको बोलते हैं फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशंस पर सेकंड, फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशंस पर सेकंड। ये मैंने थोड़ा सा डिफरेंट से टाइप कर दिया, डिफरेंट टाइप हो गया, एनीवे। तो सुपर कंप्यूटर्स की स्पीड हम फ्लॉप से मेजर करते हैं, और सुपर कंप्यूटर्स आजकल जो है बहुत सारे स्पेशलाइज फील्ड में हम मेजर करते हैं। एक सुपर कंप्यूटर का नाम आपने अक्सर सुना होगा, जो सुपर कंप्यूटर चेस खेलने के काम आता है, उसको बोलते हैं डीप ब्लू।
ऐसे ही सुपर कंप्यूटर्स आपने सुना होगा जो मेडिकल फील्ड में यूज होते हैं, डीप ब्लू जीन्स, जो आईबीएम के सुपर कंप्यूटर्स हैं, ब्लू जीन्स टाइप्स ऑफ कंप्यूटर्स, अगेन सुपर कंप्यूटर्स, मेन फ्रेम कंप्यूटर्स, मिनी कंप्यूटर्स, माइक्रो कंप्यूटर्स, ये सब वही हैं। ये पुराने जनरेशन कंप्यूटर्स है, ये आपके पास ये एप्पल के कंप्यूटर्स हैं, ये आप सिंपल ऑर्डिनरी डेस्कटॉप पीसी है। दीज आर पर्सनल कंप्यूटर्स विच आर लैपटॉप्स, इनकी बहुत सारी मेक्स अवेलेबल है। ये टैबलेट पीसी जो पहले थे, अभी टैबलेट्स का भी काफी देखा होगा आपने, टैबलेट्स का हमारे उत्तराखंड गवर्नमेंट ने टैबलेट्स स्टूडेंट्स को बांटने हैं, तो आप वो देख रहे हो टैबलेट में क्या होता है। एक स्मार्ट टैबलेट आपका स्मार्टफोन की तरह काम करता है, उसमें सिम भी लगा होता है, नेट कनेक्टिविटी होती है, लिमिटेड स्क्रीन होता है, प्लस वी कैन हैव लार्ज अमाउंट ऑफ ई बुक्स ऑन दैट कंप्यूटर एंड विच वी कैन रीड। देन वी हैव पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट्स, पीडीएस का टाइम अब जो है नहीं रहा है। पीडीएस एक टाइम बहुत यूज होते थे, एक ये कंप्यूटर्स थे, स्मार्ट छोटे छोटे गैजेट्स थे जिनको हम यूज करते थे, लेकिन अब स्मार्टफोन ने सारी चीजों को रिप्लेस कर दिया। स्मार्टफोन ने हमारी वॉच को रिप्लेस कर दिया, स्मार्टफोन ने जो है बहुत सारी चीजों को हमारे रिप्लेस कर दिया। तो ये सर्वर्स हैं, सर्वर्स इस टाइप से देखिए, आदमी जो है 6 फीट का आदमी है, उसके बगल में 7 फीट की मशीन रखी हुई है, एक सर्वर है। और सुपर कंप्यूटर जो आप लास्ट वाले मशीन देख रहे हैं, एक रूम में इस टाइप के 200 मशीन रखी हुई है, जो एक गोदरेज के बड़े बड़े अलमीरा के बराबर ये मशीन रखी हुई, इस टाइप के मशीन होते हैं सुपर कंप्यूटर्स को जो फॉर्म करते हैं। फिर थोड़ा नेटवर्क्स की हम बात करें, वी यूज कंप्यूटर्स इन वेरियस एरियाज एंड फॉर एवरी एरिया वी नीड सम कस्टमाइज्ड सॉफ्टवेयर्स। वेबसाइट्स के लिए हम सॉफ्टवेयर यूज करते हैं, वेबसाइट्स, इंटरटेनमेंट के लिए हम सॉफ्टवेयर यूज करते हैं, कम्युनिकेशन के लिए, पर्सनल फाइनेंस मैनेजमेंट के लिए सॉफ्टवेयर यूज करते हैं। पर्सनल फाइनेंस मैनेजमेंट के हमारे पास आजकल जैसे टैली सॉफ्टवेयर है, बहुत सारे और सॉफ्टवेयर हैं। फिर हमारे पास कुछ सॉफ्टवेयर होते हैं जिसको हम बोलते हैं सॉफ्टवेयर आर अवेलेबल फॉर इवन फॉर स्मॉल ऑफिस, SOHO, स्मॉल ऑफिस, होम ऑफिस। वी कैन हैव द लैंड, वी कैन हैव द सॉफ्टवेयर्स, वी कैन हैव स्पेशल सॉफ्टवेयर्स, वी कैन हैव द वेब पेजेस। एक सॉफ्टवेयर आज के डेट में बड़ा काफी यूज करते हैं, इससे पहले हमने नहीं सुना था, जूम है, गूगल मीट है, एमएस टीम है, तो ये माइक्रोसॉफ्ट की टेली मीटिंग के लिए यूज होता है। कंप्यूटर के यूजर्स की कैटेगरीज हम डिवाइड कर सकते हैं, वो आपको थोड़ा सा चीजें मालूम है। कंप्यूटर एप्लीकेशन सोसाइटी कैन बी यूज फॉर एजुकेशन, फाइनेंस, गवर्नमेंट, हेल्थ केयर, साइंस, पब्लिशिंग, ट्रैवल एंड इंडस्ट्रीज। तो बट प्रैक्टिकली हम देखें तो हर एरिया में कंप्यूटर्स हम यूज करते हैं, ऐसा कोई एरिया शायद ढूंढने को नहीं मिलता है जहां पर कंप्यूटर का यूज नहीं है। वे बैक हम क्वेश्चन पूछते थे कंप्यूटर का यूज कहाँ किस एरियाज में होता है, लेकिन आज के अगर पूछे तो ये पूछेंगे कंप्यूटर कौन से एरिया में यूज नहीं होता है, तो हमें मुश्किल से कोई ढूंढने को जवाब मिलता है जिस एरिया में कंप्यूटर यूज नहीं होता है। हॉस्पिटल से लेकर जो है आप होटल्स हो गए, पोस्ट ऑफिस हो गए, बैंक्स हो गए, their total work is on computers and we are living in the world of computers. अब जो नए कंप्यूटर्स आते हैं वो वेरिएबल कंप्यूटर्स भी हैं। वेरिएबल कंप्यूटर्स में जैसे गूगल ग्लास एक कंप्यूटर आता है जिसमें जो है चश्मे होते हैं, चश्मे के तौर से हम उसको वेयर कर सकते हैं, और उस चश्मे से होता है क्या, बेसिकली हमारा स्मार्टफोन रिप्लेस कर दिया उसने। उस चश्मे की हेल्प से नेट सर्फ कर सकते हैं, उससे भी हम फोन कॉल्स कर सकते हैं, फोन कॉल्स को रिसीव कर सकते हैं, फोटो क्लिक कर सकते हैं। तो जो हम स्मार्टफोन से करते हैं वो सारा काम हमारा जो है गूगल ग्लास से होता है, और गूगल ग्लास हमारे स्पेक्स की तरह होता है। ये जो पर्सन है इसमें वेरिएबल कंप्यूटर है। वेरिएबल कंप्यूटर का एग्जांपल आपने ये देखा होगा कि जैसे आईसीयू में पेशेंट लेटा होता है, उसकी जो है बॉडी पे बहुत सारे सेंसर्स लगे होते हैं और सामने डिस्प्ले पे आ रहा होता है, प्लस अगर कोई चीज क्रिटिकल हो जाती है तो स्पेशल एकदम से अलर्ट भी जो है डॉक्टर को अलर्ट जा सकता है कि वो अटेंडेंट को तुरंत भेज करके जो है चीजों को कंट्रोल करने के लिए उसका चेकअप करे। मतलब इस टाइप के वेरिएबल कंप्यूटर जिसके कुछ कंपोनेंट्स हमारी बॉडी में लगे होते हैं, हमारी बॉडी को सेंस करते हैं, हमारे सिग्नल को सेंस करते हैं। इस केस में क्या कर रहा है ये पर्सन, एक प्रोजेक्टर पे अपनी कम्युनिकेशन कर रहा है। इसके हाथ में कीपैड बना हुआ है और कीपैड पे वहां पर कुछ ऑपरेट करके सामने एक प्रोजेक्टर पे उसको देख सकता है। वेरिएबल कंप्यूटर्स में भी होता है, जैसे यूएस आर्मी वेरिएबल कंप्यूटर्स यूज करते हैं, वो किसी के क्रिटिकल मिशन पे होते हैं, उनके आर्मी उनकी बॉडी पे ही कुछ मशीन्स लगी होती हैं जिनसे आपस में एक पर नेटवर्क उन्होंने फॉर्म किया होता है कि कौन सा मशीन कहाँ पर है, कौन सा आदमी कहाँ पर है, आप एक दूसरे को बिना बोले कम्युनिकेशन कर सकते हैं। इस टाइप की उनकी अपनी स्पेशल वेयरिंग बनी हुई है। हैंडहेल्ड कंप्यूटर्स छोटे स्मार्टफोन से हैंडहेल्ड कंप्यूटर्स की कैटेगरी में आते हैं। ये वर्क स्टेशन है, एक होता है डेस्कटॉप में, दो टाइप के मेक होते हैं, वर्क स्टेशन एक पर्सनल कंप्यूटर होता है, एक होता है डेस्कटॉप, सॉरी डेस्कटॉप में दो टाइप के कंप्यूटर होते हैं, एक होता है पर्सनल कंप्यूटर, एक होता है वर्क स्टेशन। वर्क स्टेशन पर्सनल कंप्यूटर से कॉस्टली होता है, इसकी प्रोसेसिंग पावर ज्यादा होती है, और इवन जैसे अगर हमें वीडियो एडिटिंग कर रहे हैं तो वीडियो एडिटिंग के लिए हमें थोड़ा सा फास्ट प्रोसेसर चाहिए कंप्यूटर से, तो उसको हम वर्क स्टेशन बोल सकते हैं। ये सन ब्लेड 2500 वर्क स्टेशन है।
ये दूसरा सर्वर है, इसका मेक अलग है, इसका पावर भी थोड़ा सा ज्यादा होती है ई कॉमर्स इंटरप्राइजेस के लिए। जैसे आप मान लीजिए अमेजोन के सर्वर से आप अमेजोन से शॉपिंग करते हैं तो पीछे इनके जो वेब सर्वर्स होते हैं वो वेब सर्वर सिंपल सा पर्सनल कंप्यूटर नहीं होता है जो कभी भी बैठ सकता है, जिसके हार्ड ड्राइव खराब हो सकती है, वो ऐसा कोई कंप्यूटर नहीं होता है, उसमें सर्वर होता है जिसको बोलते हैं सर्वर कंप्यूटर्स। सुपर कंप्यूटर्स इस टाइप की मशीन होती है। चेस प्ले के लिए जो है डीप ब्लू कंप्यूटर यूज होता है, जो इसने गैरी कास्पारोव के बीच में कॉम्पिटिशन होता रहता है। इनकी जो कैलकुलेशन होती है 20 मिलियन चेस पोजिशन पर सेकेंड वो सोच सकता है, 20 मिलियन चेस पोजीशंस इन वन सेकंड। हम एक सेकंड में कितने मूव को सोच सकते हैं वो काफी लिमिटेड होता है, लेकिन वो एक सेकंड में 200 मिलियन मूव्स को सोच सकता है। तो इस टाइप के कुछ ये कंप्यूटर्स के बारे में ये हमारा पॉइंट था। शुड वी कंटिन्यू विद नेक्स्ट टॉपिक?